हेलो बच्चों, आज हम गैफी जिराफ और उसके दोस्त क्रॉक मगरमच्छ की एक दिलचस्प कहानी सुनेंगे और चिन्हों का उपयोग करके 1 से 100 तक की संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे। एक दिन गैफी की माँ ने गैफी और उसके दोस्तों के लिए ढेर सारे लड्डू बनाए और गैफी ने लड्डुओं को एक बड़े बैग में भरा और अपने दोस्त क्रॉक के साथ लड्डू बांटकर खाने के लिए तालाब की ओर निकल पड़ी। अरे क्रॉक, देखो मेरी माँ ने कितने स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं। क्या तुम इन्हें खाना चाहोगे? हाँ हाँ, बिल्कुल खाऊंगा। चलो इनके साथ एक मजेदार खेल खेलते हैं। मैं कुछ लड्डू अपनी दाहिनी ओर और कुछ अपनी बाईं ओर रखूंगी। देखते हैं कि तुम किस तरफ के लड्डू खाते हो। ठीक है, बहुत मजा आएगा। चलो जल्दी से खेल शुरू करें। गैफी ने दाईं तरफ 53 लड्डू और बाईं तरफ 47 लड्डू रखे। क्रॉक ने लड्डू गिने और दाहिनी ओर मुड़कर अपने मुंह को इस तरह खोला। इसके बाद गैफी ने 63 लड्डू दाईं तरफ और 88 लड्डू बाईं तरफ रखे। क्रॉक ने एक बार फिर लड्डू गिने और बाईं ओर मुड़कर अपने मुंह को इस तरह खोला। इसके बाद गैफी ने 73 लड्डू बाईं ओर और 73 लड्डू दाईं ओर रखे। क्रॉक अब बाईं मुड़ा और फिर दाएं। वो तय नहीं कर पा रहा था कि उसे किस तरफ के लड्डू खाने चाहिए, इसीलिए उसने सिर्फ अपना सिर हिलाया। गैफी हंसने लगी। हाँ हाँ, मैं समझ गई कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अपना मुंह उस तरफ खोल रहे हो जहाँ ज्यादा लड्डू रखे हैं, और जब लड्डू बराबर संख्या में होते हैं, तो तुम तय नहीं कर पा रहे हो कि किस तरफ मुंह खोलना है, और इसलिए अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोलते। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही है गैफी। ये लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट थे। इन्हें मेरे साथ बांटने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। गैफी मुस्कुराई और क्रॉक को अलविदा कहकर अपने घर लौट गई। बच्चों, ये खेल देखने में आपको भी मजा आया ना? चलो हम भी ये खेल खेलते हैं। संख्याओं की तुलना करने के लिए हम जिन 3 चिन्हों का उपयोग करेंगे वे ये हैं: ये कम का चिन्ह, ये ज्यादा का चिन्ह और ये बराबर का चिन्ह। उदाहरण के लिए आपको 63 और 59 ये संख्याएं दी गई हैं। पहले हम बाईं ओर लिखी संख्या को देखेंगे, 63। अब हम देखेंगे कि बाईं ओर लिखी संख्या दाईं ओर लिखी संख्या से कम है या ज्यादा। बच्चों, आप जानते हैं ना, जो संख्या गिनती में बाद में आती है वो ही बड़ी होती है। जब हम गिनती करते हैं तो 63 59 के बाद आता है, इसीलिए क्रॉक का मुंह बड़ी संख्या 63 की तरफ खुलेगा। इसीलिए हम इसे ज्यादा का चिन्ह इस्तेमाल कर इस तरह लिखेंगे। आइए अब हम संख्या 84 और 92 लेंगे। इस बार बाईं ओर लिखी संख्या 84 गिनती में दाईं ओर लिखी संख्या 92 से पहले आती है। जो संख्या गिनती में पहले आती है वो छोटी या कम होती है, इसीलिए 84 92 से कम है। बड़ी संख्या 92 है और इसीलिए क्रॉक का मुंह 92 की ओर इस तरह खुलता है। क्योंकि 84 92 से कम है, हम इसे कम का चिन्ह इस्तेमाल कर इस तरह लिखेंगे। अब हम संख्याएं 77 और 77 लेते हैं। ये दोनों संख्याएं समान हैं, इसीलिए हम इसे बराबर का चिन्ह इस्तेमाल कर इस तरह लिखेंगे। तो बच्चों, आपने देखा हम किस तरह कम, ज्यादा और बराबर के चिन्हों का उपयोग करके संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि बाईं ओर लिखी संख्या दाईं ओर लिखी संख्या से बड़ी, छोटी या समान है, और फिर आप इनमें से सही चिन्ह का इस्तेमाल कर संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। तो चलिए, क्या आप जल्दी से इन दी गई संख्याओं के बीच सही चिन्ह का इस्तेमाल कर इनकी तुलना कर सकते हैं?
आप वीडियो को पॉज करके इसका हल ढूंढ सकते हैं। इस वीडियो में हमने क्रॉक की सहायता से 1 से 100 तक की संख्याओं की तुलना करने के लिए ज्यादा, कम और समान के चिन्ह का उपयोग करना सीखा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।